शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे युवा सेना नागपुर जिला अध्यक्ष शरद के नेतृत्व में कलमना मंडी गेट के आंदोलन को आखिर जीत मिली है। गेट नंबर 5 खुल गया है। कलमना एपीएमसी का गेट नंबर 5 कई बार निवेदन देकर भी शुरू नहीं हो रहा था, इस वजह से परिसर में बड़ा जाम लगता है। किसान रात 3 बजे भी मंडी में आते हैं तो उन्हें मंडी में प्रवेश करने 5 बज जाते हैं। इस वजह से किसानों की उपज को भाव नहीं मिलता और उन्हें कम दामों में माल बेचना पड़ता है। इसके विरोध में बार बार आवाज उठाने के बाद भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से आखिरकार युवा सेना जिला प्रमुख शरद सरोते ने आंदोलन किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि यह गेट 6 नवम्बर को खोल दिया गया। सबसे पहले तो मैं सब अपने मीडिया प्रभारी बंधुओं का आभार मानता हूँ, जो इसके पहले जो युवा सेना द्वारा ग्रीन प्रोडक्ट एसोसिएशन द्वारा जो आंदोलन उठाया गया था माननीय आदित्य जी ठाकरे के आशीर्वाद से, तो जो समय मिला था 5 तारीख का, तो आज देख रहे हैं आप ये साइड में जो गेट खुला हुआ है 5 नंबर गेट खोलने में युवा सेना ग्रीन प्रोडक्ट एसोसिएशन सफल हुई है। और जिस प्रकार से एपीएमसी में काम होना चाहिए, हम उनसे हाथ जोड़ के विनंती करते हैं, अधिकारियों से, मदन जी केदार से, कि आप अड़तियों के हित में जो आपको बिठाया गया है काम करने के लिए, वो अड़तियों के हित में काम कीजिए। जिस प्रकार से आज ये देख रहे हैं आप रोड की हालत देख रहे हो कि इन्होंने मिट्टी डाल के, इन्होंने तरुण भारत में एक ऐड दी है 3 लाख कुछ का एक ये निकाला हुआ है उसका टेंडर, वो टेंडर होगा तब जाके रोड बनेगा, परंतु आज तो अड़तिया बंधुओं को जो खड्डों में अपनी गाड़ियां फंसा के जो भी है तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, तो हम झेलने के लिए अड़तिया बंधु तैयार है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।